देख लेना वीडियो के एंड तक, अगर मेरी मुंडी नीचे गिर जाए तो प्लीज माइंड मत करिएगा। साबुन नहीं है, साबुन नहीं है बाबूआ। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है, लाइट ऑफ कर दूँ, बिल ज़्यादा आएगा ना। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, शांति से देखना, शोर मत करना। तो ये बीचा बीच में बैठे हुए हैं महादेव जी, और ये क्या खा रहे हो आप? टपका। टपका कौन खाता है टपका, बताना जरा। आम के जमाने में टपका कौन खाता है बताओ। और ये चल रहा है इनका व्हाट्सएप, और ये खा रहा है टपका। और ये देखो, ये बैठा है इसका पुद्दी, पापा जी का चमचा। नहीं, वो नहीं खाएगा, खट्टा है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने टपका खाना स्टार्ट कर दिया है, और अभी सीजन भी आ गई है आम की, तो ये कच्चे आम पक चुके हैं, लेकिन बहुत खट्टे हैं, है ना? खट्टा है ना ये वाला, मीठा है। और जो मैं खा रही थी वो खट्टा था। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 8, और अभी हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। हमने बना लिया चाय, तो आयाम चाय लेके आओ जरा, चाय। देखो कितना आज्ञाकारी है, जब बड़ा होगा तब लेके नहीं आएगा। इधर आ, कम यार बाबू, कम कम सुनी कम। तो देखो कैसे टपका चूसा जा रहा है। चूसा कौन बोलता है, चूसा कौन बोलता है? दीदी। अरे खट्टा है बच्चा, खट्टा है। दे 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 दे। बाबू को बेटा, आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर थाली चट, और थाली के बाद पट, ग्लास वही रखा है और दोनों भी लेट गए, मोबाइल चला रहे। थाली खत्म हो गई, पापड़ खत्म हो गए। तो अभी मैं बालों में लगाने जा रही हूँ तेल, क्योंकि बाल बहुत ही खराब हो गए हैं। अगर खोल के रखे ना बाल, उसके बाद ऐसे हो जाते ना, ऐसे हो जाते हैं जैसे इनको ना किसी पोटली से निकाले हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ तेल लगाने बालों में। तो मैं किसका ऑयल लगाती हूँ वो आपको मैं बताती हूँ। मैं लगाती हूँ शुद्ध सरसों कच्ची घानी का तेल, पतंजलि का, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ क्या दूँ, क्या बिंदी पापा जी से ले लो। तो यहाँ पतंजलि का तेल मिलता है और वैसा सरसों का तेल भी मिलता है, लेकिन वो शायद से मिलावट होगा इस वजह से। वो देखो, वो लगी बिंदी पापा जी की पेंट में लगी, वो देखो, वो छुटा दो। इनको बिंदी दे देना, बाबू को बिंदी दे दो। तो मैं ये बोल रही थी, यहाँ मिलावट भी हो सकती है, कच्ची घानी पतंजलि का कोई मिलावट नहीं रहती है, तो इसलिए। और ये आंवला और
नारियल वगैरह मुझे सूट नहीं करता और मैं कभी लगाती भी नहीं हूँ, और जो महंगे 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 हैं वो तो मैं देखती भी नहीं हूँ, मॉल में जाती हूँ तो वो हमारे लेवल के नहीं हैं, क्योंकि हमारी औकात है सिर्फ सरसों के तेल की, तो हम वही यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसा हमारा बजट वैसा ही हम कर सकते हैं। लेकिन सरसों का तेल भी सस्ता नहीं है, पता है कितना, 200 रुपए किलो है लीटर, तो हम वही यूज़ करते हैं और शुरू से ही हम वही यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मेरे बाल अच्छे हो गए, इधर देखो टकली हो गई है, काफ़ी टाइम से हमने तेल यूज़ नहीं किया है, और हर रोज़ स्ट्रेट करने से ना बाल डैमेज हो जाते हैं, और परमानेंट हम करवा नहीं सकते क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है, 10,000 रुपये बालों में, तौबा तौबा, ऐसे ही ठीक है, तो हर रोज़ कर नहीं सकते हम, परमानेंट करेंगे तो बालों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, और परमानेंट करवा नहीं सकते क्योंकि इतनी हमारी औकात नहीं है, तो सरसों का ही तेल लगाते हैं, तो इनसे पूछते हैं ये हमारे बालों में तेल लगाएंगे कि नहीं, क्या कह रहे, तेल लगा दोगे बालों में, हैं खाना खाने के बाद? ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं खाना खाने के बाद, मेरे काले लंबे बालों पे कोई आशिक ना मर जाए, फिर भी मेरे अच्छे बाल हैं, बालों का कोई ऐड नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ ऑयल लगाने, ये देखो पतंजलि का है, कहाँ गया पतंजलि बाबा, तो ये मैं लगाने जा रही हूँ, आप लगा दोगे क्या? चलो आ फिर फटाफट आ जा, लगाओ बच्चा, अब दोनों भी लगाएंगे देखना। तो फ्रेंड्स ये तेल चंपी हो गई और मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की, ऐसी टोपी हूं मैं। पहले तेल लगा दिया, मैंने वीडियो ही चालू नहीं करी। ओफो, देख लेना वीडियो के एंड तक, अगर मेरी मुंडी नीचे गिर जाए तो प्लीज माइंड मत करिएगा, क्योंकि 180 की स्पीड में चल रही है मुंडी मेरी, हूँ क्या होता है, सही बोल रही हूँ मैं? देखो देखो जानबूझ के ऐसे तेल लगता है, ऐसे उलझा दिए बाल, आई आई साबुन नहीं है, साबुन शैम्पू ले आ, शैम्पू बाप यार गंदे काम कर रही, फिर छोड़ तेल दे पगल चंदे तो फ्रेंड्स तेल लग गया है बालों में और ऐसे बाल उलझाए हैं ना मेरे इन्होंने, हाँ मैं डेली अपने हाथों से ही लगाती हूँ, मैंने सिर्फ आपसे पूछा था तो आपने हाँ क्यों बोल दिया, है ना, बोलना नहीं चाहिए, और अंदर जड़ों तक तो गया भी नहीं, ये देखो इधर तो लगा भी नहीं है, इन आदमियों का कुछ नहीं हो सकता, तो अभी मैं खुद से लगा लेती हूँ,
काटो अलग। पूरा तेल खत्म कर दिया। लाओ लगा दूँ, गिर जाओगी तुम। पागल है क्या, गिर जाएगा नीचे। इतना ज्यादा हो जाएगा। ला चल को लास्ट दिखा दो। तो आज सब तेल ही हो गए हैं, तेल लगा लगा के तेल आ गए हैं आज सब। पापा जी ने भी लगा लिया है और ये देखो चंपू, आराम मिल रहा है, रिलैक्स हो रहे हो। पक्का पता है कितना अच्छा लग रहा है। तो ये भी तेल लगा रहे, इनका भी हो गया और मेरा भी हो गया। तो आज इतनी बदबू आएगी सरसों के तेल की तीनों में। और मेरा तो अभी कोई फिक्स नहीं है कि मैं कल बाल धुलूंगी कि नहीं धुलूंगी, क्योंकि कल है बुधवार और बुधवार को बाल अगर हेयर वॉश करते हैं तो भाई की बुद्धि कम होती है, और मेरे भाई में तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बुद्धि है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। ले कैसा चंपू बना दिया पापा ने, ये सच में कैसा चंपू बना दिया। 100 रुपए की हेयर कटिंग करवा के आया और देखो कैसे चंपू बना दिया आपने। ए जले मुइया। तो फ्रेंड्स हेयर ऑयल हो गया है और अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बताइए ये वीडियो कैसा लगा है, आई होप अच्छा लगा होगा। और इतना ज़्यादा तेल लगाया है कि अब रात पूरी रात में बाल हो गए आएंगे, इतना तेल लगा दिया। ये देखो सब टकली हो गई है मेरी, क्योंकि मैंने बीच में केयर करना छोड़ दिया था इस वजह से। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और हम तो अपनी फैमिली की केयर कर ही रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट।